हमारी माँ देवी देवता की पूजा करने के लिए घर में दीवार में 50 वो टीका रहता था और एक चौड़ा टीका रहता था, वहाँ पर एक बोतल टंगा हुआ रहता था। पूछते थे माँ से कहा है, तो एक सप्ताह में हर रोज नहा धो करके धूप धुमन करके वो शराब देती गिराती थी। अगर आज मेरी माँ रहती तो 10 वर्ष सजा जेल में रहती। ये कानून नहीं होना चाहिए। किसी की परंपरा है, किसी का अगर आवश्यकता है कि दवा के रूप में अगर सेवन करें तो हम समझते हैं कि उसको ही नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि बड़े बड़े यहाँ पर जो अपराधी हैं, तस्कर हैं, माफिया हैं, वो तो बच जा रहे हैं। पलाश होटल में किस पकड़ लिया क्या? पलाश होटल में सिर्फ दारू पीते हुए पकड़ाया गया, बोतल पकड़ाया गया, लेकिन FSL का रिपोर्ट आ गया कि नहीं वो पानी था। कैसे रिपोर्ट आ गया वो? मेरा कहने का मतलब कि जो एक बोतल दारू गरीब लेते जाएगा और वो कहाँ से देगा आपको क्रीट करेगा 20,000 30,000 50,000। लेकिन अगर 5,000 कार्टून ले जा रहा है, 1,00,000 पाउच ले जा रहा है तो 2,00,000-4,00,000 रुपया देता है। इस मामले में कुछ है, सभी नहीं इसको दिया थे कि कुछ है। हमारे पदाधिकारी जिसमें पुलिस पदाधिकारी हैं तो 4-10% वो लोग तो करोड़पति हो रहे हैं और जो माफिया है वो करोड़पति हो रहा है।